झारखंड में चुनाव का महापर्व शुरू हो चुका है। द्वितीय और अंतिम चरण का मतदान के लिए लोगों की कतारें यहां पर देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त है हम दुमका के जिला स्कूल में, जहां पर लोग अपने मतदान के लिए कतार पर खड़े हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखा दें कि यहां पर लोग मतदान के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग अपने मतदान के लिए, ये बताइए आज मतदान क्या आखिरी दिन है, चुनाव का महापर्व है, इसकी भागीदारी के लिए आप क्या है? सबसे पहले सब काम छोड़ के मतदान देने आए हैं, सबसे फर्स्ट लाइन में लगे हैं। किस तरह का आपको प्रत्याशी चाहिए, क्या मन में आकांक्षा है? विकास करे, दुमका का विकास करे। उपराजधानी है लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है, विकास करे और जो है बेरोजगारों को रोजगार मिले। क्या नाम आपका? राजीव रंजन सिंह। तो ये राजीव रंजन सिंह थे, वो उनका कहना है कि यहाँ पर लोगों को ऐसी प्रत्याशी चाहिए जो क्योंकि दुमका का विकास करें। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उन महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए क्या नाम है? मेरा नाम है रूपम कुमारी। ये पहली बार मतदान कर रहे हैं या फिर? ये मैंने पहले भी किया है। पहले भी किया है, क्या ये दूसरी बार है? नहीं, मैं पहले, बहुत पहले से कर रही हूँ। अच्छा। मैं यहाँ एसपी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एक्चुअली। अच्छा, जिस तरह आप बोले दुमका में मेरी दूसरी बार मतदान है। दूसरी बार मतदान है, किस तरह का दुमका का डेवलपमेंट चाहिए, किस तरह का प्रत्याशी चाहिए? प्रत्याशी चाहिए कि निचले स्तर से भी कार्य शुरू करे, गरीब लोग जो है उनके लिए भी कार्य करे। उसके अलावा जो है विकास पर तो बहुत दुमका बहुत डेवलप नहीं है, इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है कि आधी आबादी की बात करते हैं, आधी आबादी के जो महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, जिस तरह के महिलाओं को सुविधाएं मिलना चाहिए, क्या उस तरह का है? सुविधाओं में तो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लाई जाती हैं महिलाओं से भी संबंधित होती हैं, लाई भी जा रही हैं, वो सुविधाएं जो है महिलाओं तक तो पहुंचनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ जो है ये नहीं कि वो जा रही हैं और उनका काम नहीं हो रहा ऑफिस में, या उनको अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं मिल रही है ठीक से, तो वो सारी चीज़ें जो होती है उनके साथ उनकी जानकारी उनको सही से मिलनी चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा रूपम कुमारी। तो ये थे रूपम कुमारी, उनका कहना जिस तरह की सुविधाएं यहाँ पर महिलाओं को मिलनी चाहिए, आधी आबादी की भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए, उस तरह का नहीं मिल रहा है। हमारे साथ और कुछ लोग, जैसा ये बताइए हाँ क्या चाहते हैं, किस तरह का प्रत्याशी हो? दुमका का विकास सबसे पहला है, यहाँ विकास में बहुत कमी है, विकास होना चाहिए, जो भी आएंगे विकास उन करना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं, विकास होना चाहिए। विकास नीचे निचला स्तर से होगा तो सबका विकास होगा, गरीबों का विकास होना बहुत जरूरी है। यहाँ बहुत स्तर गिर रहा है, बहुत स्तर गिर रहा है, जितना स्तर गिर रहा आप लोग नहीं जानते, जितना हम लोग देख रहे हैं स्तर का, इतना स्तर खराब है जो आदमी सब काम के लिए परेशान है, खाली वो टोटो ले लिया अपने घूमने लगा इधर घूमन, क्या फायदा इससे करके, जो भी आए विकास होना चाहिए यही हम चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मूलचंद पंडित। चलो, ये मूलचंद पंडित थे। यहाँ पर जो लोगों का उपराजधानी की तरह जैसा विकास होनी चाहिए लेकिन उस तरह नहीं हो पाई है, यही वजह है लोग अपनी भागीदारी एक बेहतर प्रत्याशी चुनने के लिए यहाँ पर लाइनों पर खड़े हैं, सभी काम काज छोड़कर सबसे पहले मतदान कर रहे हैं। हम थोड़ा सा आपको अंदर ले जाएंगे, यहाँ पर लोग मतदान कर्मी खड़े हैं, लोग भी कतारों में लगे हैं, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लोग अपनी बारी का इंतजार यहाँ भी करें, और जिस तरह का यहाँ पर माहौल बना है लगता है कि लोग सुबह से ही भोर उमड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ? सिस्टर ब्लैंडिना। सिस्टर ये बताइए कि क्या लगता है कि जो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए वो हो पा रही है? नहीं हो पा रही है सर, होना चाहिए। जो महिलाओं का जो भी विकास के लिए जो काम कर रहे हैं उनको, महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए, और जो भी सुरक्षा होना चाहिए उनको मिलना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। महिला कहीं भी जा रहे हैं तो सुरक्षित उनका अनुभव होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी जा रहे हुए सुरक्षित अपने को महसूस नहीं करती हैं। लगता है कि महिलाएं असुरक्षित है राज्य? जी हाँ। क्या नाम है सिस्टर? सिस्टर ब्लैंडिना। तो ये थे सिस्टर ब्लैंडिना, आप देख सकते हैं कि लोग तो मतदान कर ही रहे हैं और लगातार जो है लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि एक बेहतर प्रत्याशी, बेहतर विधायक यहाँ से बनकर और राज्य में जो है काम करे। उसके लिए लोग सभी कामकाज को छोड़कर पहले मतदान कर रहे हैं। तो ये महापर्व शुरू हो चुका है और लगता है कि अभी दिन चढ़ते चढ़ते 70% वोटिंग होने की संभावना है।
दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज़।